आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसे हम AI भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन अ मशीन, जो प्रोग्राम है इंसानों की तरह सोचने के लिए और उनके एक्शंस को कॉपी करने के लिए। अब एग्जांपल के लिए इमेजिन कीजिए, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि हाउ इज द वेदर टुडे, तो वो मुझे एक आंसर देगा कि आज वेदर सनी है या रेनी है। सिमिलरली अगर मैंने अपने एलेक्सा से पूछा कि एलेक्सा हाउ इज द वेदर, तो एलेक्सा भी मुझे एक आंसर देगी कि आज वेदर सनी है या रेनी है। क्यों? एलेक्सा एक AI मशीन है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, जो कि बहुत सारे डेटा को रिसर्च करके मुझे एक अप्रोप्रिएट आंसर देगी। सपोज मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे अपना नाम बताओगे क्योंकि आप ट्रेंड हो अपना नाम बताने के लिए। वैसे ही मैं अपने AI सिस्टम को ट्रेन करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके अप्रोप्रिएट आंसर देने के लिए। टेस्ला की कार अभी AI बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम ला रही है, जिसमें ड्राइवर के बिना ऑटो पायलट के थ्रू गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी थ्रू अ AI सॉफ्टवेयर। आपने फ्लिपकार्ट, Amazon और हमारे जो वेबसाइट है robocar.com, उनपे चैटबॉट्स भी देखे होंगे। चैटबॉट्स यानी अगर आप कुछ भी मैसेज करोगे हमारे वेबसाइट पे, तो आपको मशीन ऑटोमेटिकली AI यूज करके रिप्लाई देगी। अब आयरन मैन में टोनी स्टार्क का फेवरेट AI सिस्टम था जार्विस, जो कि उसे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह हेल्प करता। उसे जो भी डेटा चाहिए था, जार्विस उसे वो प्रोवाइड करता था। जो भी आज का साइंस है, कल की टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है कि आप जल्दी ही अपने अपने AI सॉफ्टवेयर यूज करने लगे, आपका खुद का जार्विस हो। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।